चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। सीएम जो है वो जम्मू का ही होना चाहिए। तो हमारा हिंदू सीएम जो है भाजपा अपनी सरकार बनाए और हिंदू सीएम फेस करे और अपना पेश करे। जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए। होना चाहिए सीएम, अपना होना चाहिए। हिंदू या डोगरा? हिंदू होना चाहिए। सब बीजेपी, अगर बीजेपी नहीं होती तो हम ये काम नहीं करते। आज मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं। भाजपा सरकार आएगी तो फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो किसी चीज का भी नहीं है। हिंदू सीएम नहीं होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर में लास्ट फेस में असेंबली इलेक्शंस आते आते अब लोग ये जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार अब जम्मू कश्मीर का जो सीएम है वो कौन होगा, हिंदू या फिर डोगरा? इस समय हम उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इन सब लोगों का क्या कुछ कहना है कि कौन जो है वो यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर का सीएम होना चाहिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज शर्मा। राज शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे कि सीएम जो है वो जम्मू का होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए या डोगरा? देखिए, जो ये आपका पॉइंट है कि सीएम जम्मू का होना चाहिए, कश्मीर का होना चाहिए, सीएम जम्मू कश्मीर का एक बनेगा, पर मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहूँ कि 370 और 35A से पहले हटने से पहले यहाँ पे तीन ही पार्टियों का जो तीन घर की पार्टियाँ थी और उन्हीं का जम्मू कश्मीर में राज था। पर ये हटने के बाद बीजेपी का यहाँ पे थोड़ा बोलबाला छाया हुआ है और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे आतंकवाद कम हुआ है। और अब सीएम की बात है जहाँ तक, तो ठीक है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। कुछ वर्षों से जो सीएम है वो कश्मीर का ही बनते आ रहा था, तो ठीक है, जम्मू कश्मीर को एक यूनाइट करने का एक तरीका बीजेपी ने ढूंढा है और मेरे ख्याल में इस बार सीएम जो है वो जम्मू का ही होना चाहिए। जम्मू का होना, क्या चाहते हैं कि सीएम जम्मू का होना चाहिए? बिल्कुल, सीएम जम्मू का होना चाहिए और सीएम जम्मू का बन के आवाज़, हिंदू सीएम इस बार हम चाहते हैं। यही हमारी आम जनता की जो ख्वाहिश है और ये है कि मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बाकी लोगों के काम को नगर, रोड्स देखिए आप, पुल्स देखिए, स्मार्ट सिटीज़ देखिए, फार फ्लंग एरियाज़ के रोड देखिए, हर घर पानी, हर घर और आयुष्मान कार्ड, 5-5 लाख रुपए का प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग काम करा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बारी हमारा जो सीएम है बीजेपी, भाजपा से, बीजेपी से बनना चाहिए और हिंदू सीएम हम चाहते हैं कि हम जितने भी लोग तमाम इतनी पोलिंग वोटिंग करें कि हम अपना उतने सीटें लगा सकें कि जितना हमारा हिंदू सीएम जो है भाजपा अपनी सरकार बनाए और हिंदू सीएम फेस करे और अपना पेश करे। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? पाकिस्तान से क्यों बात करनी है? पाकिस्तान से हमने ज़िंदगी में कभी बात की? और भाजपा जैसी सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी तो भाजपा को, पाकिस्तान को देख के राजी नहीं, उनसे क्यों बात करनी? वो होते कौन बात करने के लिए? उनके अपने एजेंडे हैं, उनकी मिलिटेंसी, उससे नगर वाले करें पाकिस्तान से बात। जम्मू का कोई भी आदमी पाकिस्तान से बात नहीं करता, ना ही हमारी बीजेपी, भाजपा सरकार, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, कोई शख्स नहीं है जो कि पाकिस्तान से बात करनी है। मुँह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान से इनका कोई। किस तरह से ऐसे लोगों को आप क्या अपने वोट से करारा जवाब देंगे? वोट तो इस बारी हम चाहते हैं कि 44 सीट्स जो हैं, 35 से ज़्यादा 40 सीटें हैं कि हमें किसी के साथ गठबंधन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लास्ट टाइम जो हमने गलती करती गठबंधन बनाया पीडीपी के साथ, बारी मोहम्मद को हमें नुकसान हुआ, 2 साल 11 महीने का कार्यकाल करने को मिला और 2 साल 11 महीने के बाद आज तक हम उसी चक्रव्यूह में फंसे रहे। महबूबा के साथ सरकार बनाई, वो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, इस बारी वो चीज़ें नहीं होगी। हम चाहते हैं इतनी पोलिंग करें, हर डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी का नुमाइंदा निकल के बाहर आए और सरकार हम जो है अपनी हिंदू सरकार, भाजपा सरकार के साथ निकल के हम अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस करें। 370 वापस आना चाहिए? देखिए, ये कोई पॉइंट ही नहीं है कि 370 वापस आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब मैं इसका आपको रीज़न भी बताऊँगा क्यों नहीं आना चाहिए। 370 से पहले आपको खुद पता है जो यहाँ की सरकारें थी वो पत्थरबाजों को छह देती थी, आतंकवाद को बढ़ावा करने का उन्होंने काम किया है। तो जिस 370 हटने के बाद आतंकवाद कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है, उसको यहाँ लाने का कोई मतलब नहीं बनता। और अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बीजेपी ने 370 हटने के बाद दी हैं। सरकार की कुछ ऐसी स्कीम्स थी जो 370 की वजह से यहाँ पर स्टेट में नहीं आ पाती थी, तो 370 जब से हटा है बहुत अच्छी स्कीम्स इधर बीजेपी ने यहाँ पर लाई हैं। क्या जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हुआ है? ये देखिए, ये आपने खुद देख लिए, आपको आजकल कोई आपको न्यूज़ सुनने को नहीं मिलती होगी किसी पत्थरबाज ने वहाँ पत्थरबाजी की या यहाँ पे कोई आतंकवाद की घटनाएं हुई। ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, बट ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 370 हटने के बाद काफ़ी हद तक पत्थरबाजी कम हुई है और काफ़ी हद तक आतंकवाद कम हुआ है और आतंकवाद तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और पत्थरबाज भी आपको बिल्कुल ख़त्म ही हो गया यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा एक कार्य किया बीजेपी ने, 370 को हटाया और ये एक
हिस्टोरिक फैसला रहेगा बीजेपी का और बहुत ही अच्छा फैसला ये बीजेपी ने किया है। क्या जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए? जी सर बिल्कुल होना चाहिए, जम्मू का सीएम होना चाहिए सर। अगर जम्मू का अपना सीएम होगा तो क्या फ़ायदे होंगे आप? फायदे सर ये देखो ये जम्मू कश्मीर की जो मान लीजिए डेवलपमेंट कम हो रही है वो हमें मौका मिलेगा, हमें अपना हक लेने का या कुछ भी बातचीत करने का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए हिंदू या डोगरा? डोगरा सर, डोगरा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, सीएम होना चाहिए जम्मू का? जी जी भैया होना चाहिए। क्यों चाहते हैं कि जम्मू का सीएम ही हो? भैया जम्मू का सीएम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी जो जनता है बीजेपी जैसे नरेंद्र मोदी ने जैसे स्कीम रखी है कि बहुत सारी अपने जो फैसिलिटीज रखी हैं इसके लिए हमारा डोगरा जो है भैया इसके चक्कर में हमारा जो सीएम डोगरा होगा इससे हमारी तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। क्या पत्थरबाज रिहा होने चाहिए? कैसी बात करते हैं जी, पत्थरबाज रिहा कहाँ होने चाहिए, उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि पत्थरबाज रिहा होने चाहिए उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन लोगों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो अपने एनसी के लीडर पीडीपी के लीडर यही लोग जो है जमाती पुराना जिनका राज रहा श्रीनगर जम्मू कश्मीर को लूटते रहे वो तो यही बोलेंगे पत्थरबाज रिहा करेंगे, उनका आगे अपना कारोबार चलता रहेगा। ऐसे तो मोदी जी ने उनकी नब्ज़ पकड़ के रखी है, वो तो अब बोल ही नहीं सकते कुछ, कोई जवाब ही नहीं उनके पास। वो इधर उधर दाएं बाएं दौड़ रहे हैं कि कुछ ना कुछ एजेंडा बनाए कि श्रीनगर से वोटिंग लेने के लिए उनका ये है कि रिहा किया जाए। रिहा क्या करने है, रिहा करने के लिए उनका भाई 2014 के बाद आज कश्मीर जाओ, इतना ज़्यादा टूरिज़्म हो गया, इतना ज़्यादा पिछले साल, इस साल हम खुद गए थे जगह ही नहीं मिली किसी होटल में। तो ये मोदी जी की जो इस वक्त नीतियाँ हैं इसमें काम करना चाहिए, स्कीम्स में काम करना चाहिए, इनके ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पत्थरबाजों का तो दूर दूर तक मोदी जी ने अपने साथ रखा हुआ है उधर तिहाड़ जेल में उनको बंद करके, ये तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको छोड़ना चाहिए। छोड़ के दोबारा 2014 से पहले जम्मू कश्मीर था तो उस 370 तोड़ी और 35 से जो उन्होंने तोड़ा उसका फ़ायदा क्या है वो फिर वो लगाने का? ये तो बहुत अच्छा है कि पत्थरबाजों को बिल्कुल अंदर जेल में बंद करके रखना चाहिए और आम आदमी जो अपना जितने भी लोग सरकार हैं आराम से अपना श्रीनगर टूरिज्म इंजॉय करते हैं, हम भी लोग जाते हैं, लोकल जाते हैं, टूरिस्ट बड़ा आता है, ये तो कदे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनको रिहा करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर 370 वापस आता है तो जिस तरह से पहले अलगावादियों के उनके कहने पर जो है वो उनके एक फरमान पर पूरा जो है वो कश्मीर में बाज़ार बंद होते थे और उनके इशारे पर खुलते थे कि इससे ऐसा होगा दोबारा से अगर ये 370 वापस लाते हैं? नहीं सर। 370 आना चाहिए वापस? नहीं सर नहीं आना चाहिए। जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए? जी जी सर होना चाहिए, जो जम्मू बीजेपी कर सकती है उन्हें कर सकती है। जी जी जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए? होना चाहिए सीएम, अपना होना चाहिए। हिंदू या डोगरा? हिंदू होना चाहिए जी, डोगरा हो हिंदू हो होना चाहिए, अपना हाँ अपना होना चाहिए। जम्मू का सीएम होना चाहिए जी, हमारी यही डिमांड है, जम्मू का सीएम होना चाहिए। आप श्रीनगर में देखिए सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जम्मू में, इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमें किसी की जो भाजपा सरकार ने तय अपनी नीति है बड़े अपने ठोस से की है कि 35 आर्टिकल है और 370 जो है जो भाजपा सरकार ने डिसीजन लिया आम लोग भी उसी के साथ चलना चाहते हैं, मोदी जी के जो सेंटर की स्कीम्स हैं उस पर काम करना चाहते हैं जितने भी विधायक हैं। इसलिए आम जनता से यही गुजारिश हमारी कि जितने भी हमारे जम्मू के जितने भी विधायक हैं ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के मतदान में वोट अपना कमल को डालें और हमारे नुमाइंदे हमारे विधान जितने भी ये अपने MLAs हैं वो चुन के आएँ भाजपा से और हम एक बहुमत सरकार बनाएं, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या फ़ायदे हुए हैं आपकी इस एरिया में? आपकी सर फायदे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, देखिए भाजपा के रहते ही हमें जो स्कीम्स यूथ के लिए मिल रही हैं काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं, अब उनकी स्कीम्स हम लेके चले तो हमारा पूरा दिन भी जा सकता है अगर स्कीम्स बतानी हो। PMEGP लगा लो, PM SSS लगा लो, आज हमारे जम्मू के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो इसी वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने जो अपनी स्कीम्स लाई उन्हीं की वजह से उनको कितना कितना स्टाइफंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उन स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें राशन फ्री के हवाले से बात करें या और भी ऐसी कई सारी स्कीमें हैं उसके बाद। जी जी बिल्कुल, राशन फ्री कोविड में बड़ी ज़्यादा सहायता हुई उन सब स्कीम्स की, और अभी मैं खुद उनकी एक स्कीम है PMEGP उसके थ्रू मैंने लोन लिया था और मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ बीजेपी, अगर बीजेपी नहीं होती तो हम ये काम नहीं कर पाते। आज मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद को बोलता हूँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्यों? उनकी स्कीम की वजह से, ये तो हमें किसने पूछना था यहाँ पे, पहले भी सरकारें नहीं, किसी ने नहीं पूछा, आज हमारी सरकार हमें साथ में लेके चलती है तो हमें भी उनके साथ चलना चाहिए। तो देख सकते हैं युवाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह, हालांकि 1 अक्टूबर को जो है वो जम्मू कश्मीर में तीसरे फेस में जो लास्ट वोटिंग है वो यहाँ पर की जाएगी, और भी लोग हैं इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए? हाँ जी हाँ होना चाहिए। क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर जम्मू का अपना सीएम होगा? देखिए फ़ायदे ही हैं, जो मेरे ख्याल से भाजपा सरकार आएगी तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं,
नुकसान तो किसी चीज़ का भी नहीं है। जैसे कि पहले एक सिलेंडर मिलता था भाजपा सरकार की तरफ से जो महिलाओं को, अभी दो हो गए हैं। और भी जो आयुष्मान कार्ड गए, ये पहले 5 लाख था, अभी अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है भाजपा की तो 7 लाख हो जाएगा। और भी अन्य कई प्रकार के फायदे हैं। 370 वापस आना चाहिए? नहीं नहीं, 370 जो भाजपा ने, सरकार ने जो फैसला लिया है, 370 ये वापस नहीं आना चाहिए, ये ठीक हुआ है। क्या जो पत्थरबाज हैं वो रिहा होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पत्थरबाज रिहा होने चाहिए, हम उनको करेंगे ऐसा करेंगे, उनके बारे में क्या राय है आप? वो तो सर ऐसे NCPD वो उनको सहारा देती है। क्या आप अपने बोर्ड से जवाब देंगे ऐसे लोग? हाँ सर, मोदी जी को वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव हुआ है? बदलाव सर देखिए, आप 2014 से लेके अभी तक कितना बदलाव हुआ ये तो सारी जनता जानती है सर, कि भाजपा सरकार आने से कि कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। जैसे ये देख रहे हो आप कि पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, तो पत्थरबाजी को रिहा नहीं करना चाहिए, ताकि वो देशद्रोही का काम करते हैं तो उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो उनको हम बाहर छुड़ाएँ। जी सर, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर की जो उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर हम इसमें मौजूद थे और कई सारे नौजवानों से बातचीत करी है और भी लोगों से, जम्मू का अपना CM होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या बेनिफिट होगा सर? बेनिफिट देखिए, आज रोड देखिए हमारे जम्मू में कितनी फैसिलिटी है, और बच्चों को पढ़ने को बाहर भेज रहे हैं, और बड़ी फैसिलिटी है सर। हाँ जी, तो क्या मतलब जो लोग 370 को वापस लाने की बात करते हैं, उनके बारे में क्या राय है? सर वो तो ऐसे ही गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं फिर से, वो यही चाहते हैं कि श्रीनगर वाले की हमें हमारा नेता चुन के आगे भेजे हम। जैसे कल इधर हमारे मजालता में फरूदुल्ला जी आए थे, तो बोल रहे थे कि हमें वो देंगे, क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल देंगे दोबारा। हमारे पास लाइट है, हमें मिट्टी की तेल की ज़रूरत ही नहीं, हमने क्या करना मिट्टी का तेल। बस क्या हिंदू CM नहीं होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, क्या एक ही परिवार को सत्ता मिलनी चाहिए? नहीं नहीं सर, नहीं मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, एक ही परिवार को सत्ता मिलनी चाहिए? बड़ा ले लिया उन्होंने 2014 से पहले राज किया, अब हम चाहते हैं कि हिंदू CM आए। बड़ा ज़्यादा उन्होंने 2014 से लेकर पुराने पीढ़ियों से पीढ़ियाँ, फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अब उनकी बेटी भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, इनका ये पारिवारिक चलता रहा। अब हम चाहते हैं कि हम हिंदू CM आने चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप जम्मू से उधमपुर की रोड देखिए, और जम्मू से आप अपना कठुआ की रोड में कितना अर्थवर्क चल रहा है, करोड़ों के काम चल रहे हैं, पुल्स बन रहे हैं, बड़ा ज़्यादा आने वाले टाइम पे नेशनल हाईवे बन रहा है, दिल्ली से कटरा 6 घंटे का जो आर्स का वो ट्रैवल बन रहा है, जितने भी जिसमें हाईवेज बन रहे हैं, पुल्स बन रहे हैं। तो ये मोदी जी की नीति है, मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने जो इस वक्त अपना ट्रांसपोर्ट का जितना भी है, रोड्स का, बिल्डिंग्स का जितना भी काम किया है, इसकी चीज़ को लोगों को मतन मजर रखते रखते भाजपा सरकार को हम बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में लाएंगे और हिंदू CM बनाएंगे। क्या जम्मू कश्मीर से मुस्लिम ही CM बनना चाहिए? देखिए ये कोई पॉइंट नहीं है कि मुस्लिम बनना चाहिए, हिंदू बनना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 370 से पहले यहाँ पे परिवारवाद चल रहा था, कभी महबूबा मुफ्ती जी CM बनती थी, कभी उनके फादर जी CM बनते थे, अभी एक वहाँ की और लीडर खड़ी हुई है महबूबा मुफ्ती जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। तो इस परिवार को ख़त्म करना चाहिए, मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में है तो हर किसी को एक प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कश्मीर का CM, ठीक है कुछ सालों से कश्मीर का CM बन रहा था, तो इस बार जो मौका है वो जम्मू के किसी हिंदू को मिलना चाहिए या किसी डोगरा को मिलना चाहिए। तो हम विश्वास करते हैं कि इस बार जनता अपना जो निर्णय है वो सही लेगी और भाजपा को बाहरी बहुमत से जिताएगी। और आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी बात, कि आप पत्थरबाजों की बात कर रहे थे। आप अगर कुछ पार्टीज़ का अगर मैनिफेस्टोज पढ़ोगे, दे इंक्लूड अ वर्ड पॉलिटिकल प्रिजनर, उन्होंने बोला कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करेंगे। मुझे ये बताइए आप कि क्या एक पॉलिटिकल प्रिजनर को एक पार्टी रिलीज कर सकती है? पॉलिटिकल प्रिजनर तो कोई वर्ड ही नहीं है ना, प्रिजनर जो जेल में बंद है, कौन सी पार्टी किसी को रिलीज करने वाली होती है? फिर तो हमारे कोर्ट्स का मजाक बना रहे हैं, हमारे कानून का मजाक बना रहे हैं, जिनको प्रॉपर अगर ऑफेंसेस के अंडर अगर उनको अंदर किया गया, तो ये किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में होना ही नहीं चाहिए कि हमने पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करेंगे, पत्थरबाजों को रिलीज करेंगे। ठीक है, कोर्ट्स में अगर वो निर्दोषी पाए जाते हैं तो कोर्ट उनको रिलीज करेगा भाई, आप पार्टी को रिलीज़ करने वाली नहीं होती। तो ये जो डिफरेंट पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ हैं, ये लोगों को गुमराह करने के लिए हैं, ये उनके पास पावर्स ही नहीं है, और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है किसी पार्टी को ये अधिकार देता है कि वो किसी प्रिजनर को रिलीज़ करे। तो मेरा आपसे विनम्र, आपके ये मीडिया से ये भी विनम्र अनुरोध है कि लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जाने और ये जाने के कि जो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टोज दिए हैं, क्या वो ये काम करने को उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड करता है, या वो ये संवैधानिक तरीका से वो ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो आप भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो उन्होंने तरक्की का काम किया,
तरक्की पे काम करने का काम किया कि हम तरक्की कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा था कि हमारे यहाँ पे 1000 रुपये पेंशन थी, उसको 3 गुना किया कि यार हम 3 गुना करेंगे। तो डेवलपमेंट की बात करें, ना कि ये बात करें कि हम प्रिजनर्स को रिलीज़ करेंगे, पत्थरबाजों को रिलीज़ करेंगे, हम जो ये रोड पे नाका हैं इनको कम करेंगे। तो ये आतंकवाद को बढ़ाने का या कुछ ऑफेंसेस को बढ़ाने का काम ना करें बाकी सरकारें। तो बाकी हमारा लोगों से यही विनम्र अनुरोध है कि भाजपा को बड़ी मोहम्मद से जिताएं ताकि यहाँ पे एक अच्छी सरकार बन सके। तो बिल्कुल, चुनावी अखाड़े प्रोग्राम के तहत जिस तरह से लगातार जम्मू डिवीज़न के हर कोने की जो कवरेज है वो हम आप तक साझा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में थे और यहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की है और उनसे भी जानना चाहा कि क्या जिस तरह से लगातार ये चर्चाएँ हो रही हैं कि जम्मू को जो है वो हिंदू सीएम या फिर डोगरा सीएम मिलना चाहिए, तो उसके बारे में इन तमाम नौजवानों से हमने बातचीत की और इन्होंने भी अपनी राय रखी है। जी कि सबसे रिक्वेस्ट है पूरे यूथ को, बुज़ुर्गों को, माताएं मातृशक्ति को कि वोट अपना ज़ाया नहीं करें। वोट जितना भी है अपने आगे पीछे पड़ोसियों को जो छुट्टी लेके आ रहे हैं उनको भी फ़ोन करें, जितनी पोलिंग कर सके भाजपा के खाते में अपना फूल का बटन दबाएं और भाजपा को मतलब कि बहुमत सरकार अपना बना के भाजपा का सीएम जो हिंदू सीएम है डोगरा सीएम बना के एक बारी पूरे जम्मू की ख्वाहिश है कि आप मोदी जी के ये का अगर होगा तो ये मोदी जी के अपना अपना जेपी नड्डा जी के इनके नेतृत्व में ही होगा हिंदू सीएम डोगरा सीएम। तो यही रिक्वेस्ट है, ये मौका है, खोना नहीं चाहिए। और मोदी जी ने पहले 2014 के बाद टूरिज्म इस पे अपना 370 और 35 में काम किया, आतंकवाद को ख़त्म किया। अब मोदी जी का जो लक्ष्य है वो डेवलपमेंट में है, स्कीम्स में है। अगर उनका भारी लाभ उठाना है तो भाजपा को जम्मू कश्मीर में लाना है। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन, देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा, जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद में मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3,000 पेंशन और मास सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC स्टूडेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को, वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सब के परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।